है दांत का उल्टा चश्मा। कमाल है ना, इतनी बड़ी ऑफिस, इतना सारा स्टाफ, लेकिन असलियत क्या? ठनठन गोपाल सही कहा बिडू, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दिया तले अंधेरा, दूसरा का है? डुंगरा दूर थी रड़िया मना। अरे बागा बस हवे जी, मैं तो सिर्फ एक ही कहावत बोला, वो भी छोटी सी। ये लोग तो दो दो कहावत बोले, आप इनको कुछ नहीं कह रहे हैं। भाई बागा, मैं तो एक ही कहावत बोला कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये पीड़ू ने दो बोली। कमाल है, जैसा कराओ भलो तो मंटो। अरे सोड़ी, अभी सोचना ये है कि 50 लाख का बंदोबस्त जेठा कहाँ से करे। 50 लाख नहीं पीड़े भाई, अगर 40 लाख का बंदोबस्त भी हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 40 क्यों, 50 क्यों नहीं? अरे हमें जेठा ने बताया ना कि वो सिंगसोंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट करना है। सिंगसोंग कंपनी नहीं, रामसंग कंपनी। अच्छा, तो सिंगसोंग कंपनी को कितना करना है? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब उस कंपनी का हिसाब क्लियर है। अरे सिंगसोंग नाम की कोई कंपनी नहीं है, रामसंग नाम की एक कंपनी है जिन्हें हमें 40 लाख का पेमेंट देना है। हमें मतलब आपको ना? हाँ, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्या है, एक बार हम रामसंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट क्लियर करेंगे तभी वो 100 टैप की डिलीवरी देंगे जो हमें अय्यर भाई को देनी है। अच्छा, 40 लाख का बंदोबस्त करना है ना। चटपरा, 2-5 लाख की बात होती ना तो मैं दे देता हूँ। सेठ जी, मेरे पास से भी 1-2 लाख का बंदोबस्त हो सकता है। मैं भी अगर मेरी एफडी तोड़ू तो 2-3 लाख जमा कर सकता हूँ। 5 लाख मेरे, 2 बागा के, 3 पीड़ू के, लो जटापरा 10 लाख का बंदोबस्त हो गया। अभी 30 लाख बाकी है ना सोड़ी। एक काम हो सकता है, गोकुलधाम सोसाइटी से फंड जमा हो सकता है। नहीं सोड़ी, सोसाइटी फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर सब गोकुलधाम वासी मिलके फंड इकट्ठा करें तो 30 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर भी 30 लाख नहीं जमा हो पाएंगे भाई। अरे हो जाएंगे पिड़ू। नहीं नहीं छोटी, पीड़े बराबर बोल रहा है। सेठ जी, जो करना है जल्दी कीजिए, 6 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। अरे तो 1 मिनट के अंदर 40 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करूँ मैं? जी आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि 6 बजे रामसंग कंपनी बंद हो जाएगी। हो गई। कंपनी बंद हो गई? अरे आज के लिए सॉरी सॉरी। सेठ जी, 6 बज गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ना मैं रामसंग कंपनी को पेमेंट दे सकता हूँ, ना ही अय्यर भाई को 100 टैब। जेठाबरा, रब ते भरोसा रखो। वो कहंदे है ना कि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारण हार। भाई रब अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना तो बंदे के लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। क्यों पढ़ो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओए गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो घुटनों पे रेंगने वाले क्या खाक गिरा करते हैं? जेठालाल, तुम हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक, आप लोग निकलो। नहीं नहीं जेठालाल, हम लोग रुकते हैं। हाँ हाँ, तो मिलके दूसरा रास्ता निकालते हैं। नहीं छोटी, अभी जो कुछ होगा कल ही होगा, क्योंकि अभी तो 6 बज चुके हैं। तो आप लोग निकलो, कल के बारे में आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, देखते हैं कोई
रास्ता मिलता है क्या? ठीक है, चलते। और वो सोसाइटी में किसी को? ना 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 ना, टेंशन मत लो जेठालाल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुसी फिकर ना करो, चल पड़ो, ध्यान रखना अपना जेठालाल। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? सोच रहा हूं अभी क्या करें। अब मेहता साहब को फोन कीजिए ना, हो सकता है वो कोई रास्ता सुझाए।